हेलो एवरीवन वेलकम ऑन माय चैनल इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स यानी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहा जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन है और ये जो लाइन है वो सर किरिल रेड क्लिफ ने खींचा था और इसलिए जो है इसका नाम रेड क्लिफ लाइन पड़ा इसमें क्या हुआ था कि इंडिया का जब पार्टीशन हो गया पाकिस्तान में तो क्या हुआ था कि इस तरफ जो है ये वेस्ट पाकिस्तान था और इस तरफ जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था तो बॉर्डर जो है कहां तक वेस्ट पाकिस्तान का रहेगा और कहां तक ईस्ट पाकिस्तान का रहेगा तो ये बॉर्डर जो है इन्होंने बनाया था रेड क्लिफ ने और इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ लाइन पड़ा था और 1971 में जो है ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था ठीक ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हम द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहा जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैक मोहन लाइन मैक मोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना का बॉर्डर लाइन है और ये लाइन जो है सर हेनरी मैकमोहन ने खींचा था 1914 में और इसीलिए जो है इसका नाम जो है मैकमोहन लाइन रखा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज नोन एज बॉर्डर लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है उसे क्या कहा जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दूरन लाइन दूरन लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस फिगर में देखिए ये रहा अफगानिस्तान और ये रहा पाकिस्तान इसके बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है इसी को जो है दूरन लाइन कहते हैं और दुरन लाइन जो है वो किसने खींचा था तो वो थे सर मोर्टिमर मॉर्टिमर डुलन ने जो है ये दुल्हन लाइन खींचा था इसीलिए इसका नाम जो है दुल्हन लाइन पड़ा क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम द बॉर्डर लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज नोन एज बॉर्डर लाइन जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है उसे क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी थर्टी एट पैरलर लाइन थर्टी एट पैरलर लाइन जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है बॉर्डर लाइन है इस फिगर में देखिए ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है इसके बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है इसे थर्टी एट पैर लाइन कहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हम ऑर्डर निशे लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्री ऑर्डर निशे लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच में बॉर्डर है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी एंड पोलैंड जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे ऑर्डर नीचे लाइन कहते हैं फिगर में देखिए ये रहा आपका जर्मनी और ये रहा पोलैंड और इसी के बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है इसे ही ऑर्डर नीचे लाइन कहते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम ट्वेंटी एट पैरलर लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्री ट्वेंटी एट पैरलर लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच में बॉर्डर लाइन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लीबिया एंड सुडान लीबिया और सुडान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे ट्वेंटी एट पैरलर लाइन कहते हैं फिगर में देखिए ये रहा आपका लीबिया और ये रहा सुडान इसके बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है इसे क्या कहते हैं ट्वेंटी एथ पैरलर लाइन कहते हैं और लीबिया और सूडान जो है वो किस कॉन्टिनेंट के कंट्री है तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज है ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हम ट्वेंटी सेकेंड पैरलर लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्री ट्वेंटी सेकेंड पैरलर लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच में बॉर्डर लाइन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इजिप्ट एंड सूडान इजिप्ट और सूडान के बीच में जो है ट्वेंटी सेकेंड पैरलर लाइन बॉर्डर लाइन है और इस फिगर में देखिए ये रहा इजिप्ट और ये रहा सूडान इनके बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है यही ट्वेंटी सेकेंड पैरलर लाइन है और ये दोनों जो कंट्री हैं ये भी किस कॉन्टिनेंट के हैं तो ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही कंट्रीज हैं मैंने हर एक क्वेश्चन में फिगर इंक्लूड किया है ताकि आप फिगर से अगर आपको याद होगा तो आप इसे जो है काफी दिन तक रिटेन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं हम थर्टी फर्स्ट पैरलर लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्री थर्टी फर्स्ट पैरलर लाइन जो है वो किन दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर लाइन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईरान एंड इराक ईरान और इराक के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे थर्टी फर्स्ट पैलर लाइन कहते हैं फिगर में देखिए ये रहा आपका ईरान और ये रहा इराक इसके बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे ही हम क्या कहते हैं थर्टी फर्स्ट पैलर लाइन कहते हैं और इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको देखिए आई यहाँ पे है यहाँ पे भी आई है और थर्टी फर्स्ट में जो है यहाँ पे वन है जो आई जैसा ही दिखता है तो इससे आपको ध्यान आ जाएगा ईरान इराक और आपका थर्टी फर्स्ट पैरलर लाइन तो इनको जो है आप लिंक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं हम द बॉर्डर लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इज नोन एज बॉर्डर लाइन जो यूएसए और कनाडा के बीच में है उसे क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्टी नाइन्थ पैरलर लाइन फोर्टी नाइन पैरलर लाइन जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर लाइन है इस फिगर में देखिए ये रहा कनाडा और ये यूएसए और इसके बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है इसे ही हम फोर्टी नाइन पैरलर लाइन कहते हैं इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूं आपको देखिये यूएसए और कैनेडा के बीच में है ये फोर्टी तो देखिये इसमें बस एक लाइन खींच दीजिए और इसमें एक नाइन खींच दीजिए तो ये हो गया आपका फोर और ये आपका हो जाएगा नाइन फोर्टी नाइन दिख रहा है ना ये तो इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं ये छोटी छोटी ट्रिक है लेकिन आपको एग्जाम में ये काफी मदद करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन देखते हम एल ओ सी लाइन ऑफ कंट्रोल इज ए लाइन बिटवीन विच टू कंट्री एल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल ये किन दो देशों के बीच में एक लाइन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल एक बॉर्डर लाइन है और ये जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लाइन नहीं है मतलब इंटरनेशनली इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है पहले इस लाइन को सीज फायर लाइन कहते थे लेकिन 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ शिमला समझौता और ये कब हुआ था 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था उसके बाद जो है 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था और उसमें जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल फिक्स किया गया और इसमें ये बताया गया कि भैया ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके पीछे आप रहिए और इधर हम रहेंगे और इधर जो है हम सीज फायर का पालन करेंगे लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता है आपने न्यूज में काफी सुना होगा लेकिन ये लाइन इसीलिए बनाया गया था कि आप अपने एरिया में रहिए और हम अपने एरिया में रहते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल एल एस सी इज द लाइन बिटवीन विच टू कंट्री लाइन ऑफ एक्चुअल और इसे एल एस सी भी कहा जाता है ये किन दो देशों के बीच में है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया एंड चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है और ये जो है बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लियरली डीमार्केटेड नहीं है ये क्लियर नहीं है और इसमें जो है विवाद है इस इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं जैसे कि स्काई चीन और ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो ये है देखिए ठीक ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखते हैं हम ब्लू लाइन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन विच टू कंट्री ब्लू लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन है किन दो देशों के बीच में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेबनान एंड इजराइल लेबनान और इजराइल के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे ब्लू लाइन कहते हैं और इस फिगर में देखिए ये रहा लेबनान और ये रहा इजराइल इसके बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे ब्लू लाइन कहते है। 13 हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हम पर्पल लाइन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन विच टू कंट्री पर्पल लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन है किन दो देशों के बीच में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल एंड सीरिया इजराइल और सीरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं पर्पल लाइन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम मेरहिम लाइन इज द लाइन बिटवीन विच टू कंट्री मेरहिम लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच में बॉर्डर लाइन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिनलैंड एंड रसिया फिनलैंड और रसिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे मेरहिम लाइन कहते हैं यानी मेरहिम रेखा कहते हैं और इस फिगर में देखिए ये रहा आपका रसिया और ये फिनलैंड इसके बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है इसे मेरहीम लाइन कहते है। 15 हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हम सीज फ्राइड लाइन इज द लाइन बिटवीन विच टू कंट्री सीज फ्राइड लाइन जो है ये किन दो देशों के बीच में बॉर्डर लाइन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी एंड फ्रांस सीज फ्राइड लाइन जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर लाइन है और इस फिगर में देखिए ये रहा आपका जर्मनी और ये रहा फ्रांस और इसके बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है इसे ही सीज फ्राइड लाइन कहते हैं और इसको किसने बनवाया था तो इसको जर्मनी ने बनवाया था ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हम सेवनटीन पैरल लाइन वॉज द लाइन बिटवीन विच टू कंट्री सेवनटीन पैरेलल लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच में बॉर्डर लाइन था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम सेवेंटीन पैरल लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन था साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में लेकिन 1976 में साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम एक हो गए और इसलिए ये बॉर्डर लाइन जो है अब नहीं रहा है इस फिगर में देखिए ये था आपका नॉर्थ वियतनाम यहां तक और ये था साउथ वियतनाम तो ये पहले जो था ये लाइन इसे हम कहते थे लाइन लेकिन जब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम एक हो गए वियतनाम हो गया तब ये बॉर्डर लाइन हट गया क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन देखते हम विच बॉर्डर लाइन इज बिटवीन मोरिटानिया एंड माली कौन सा बॉर्डर लाइन है मोरिटानिया और माली के बीच में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ट्वेंटी फिफ्थ पेरलर लाइन ट्वेंटी फिफ्थ पैरलर लाइन जो है वो बॉर्डर लाइन है मोरिटानिया और माली के बीच में इस फिगर में देखिए ये रहा मोरिटानिया और ये रहा माली इसके बीच में जो बॉर्डर लाइन है इसे ट्वेंटी फिफ्थ पैलर लाइन कहते हैं और ये दोनों जो है किस कॉन्टिनेंट के कंट्री हैं तो ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हम विच बॉर्डर लाइन इज द लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा कौन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसए एंड कनाडा यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा बॉर्डर लाइन है और इसे क्या कहा जाता है फोर्टी नाइन पैरल लाइन कहा जाता है मैंने आपको बताया था अभी और इसकी लंबाई जो है लगभग फाइव फाइव टू फाइव माइल्स है और किलोमीटर में अगर मैं कहूं तो एट एट नाइन वन किलोमीटर आठ हजार आठ सौ किलोमीटर और ये जो है अनडिफेंडेड लाइन है यानी यहाँ पे आर्मी जो है डिप्लॉय नहीं रहती है इसकी रक्षा करने के लिए ये अनडिफेंडेड लाइन है तो ये ध्यान रखिएगा इसको भी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं हम द वर्ल्ड हाइएस्ट बॉर्डर इज बिटवीन विच टू कंट्री कौन से दो कंट्री के बीच में वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट बॉर्डर लाइन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना एंड नेपाल चाइना और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर है माउंट एवरेस्ट के टॉप पॉइंट से होके गुजरता है और ये लगभग सी लेवल से 8,848 मीटर जो है वो सी लेवल से ऊंचा है तो ये ध्यान रखिएगा सबसे हाइएस्ट बॉर्डर चाइना और नेपाल के बीच में है तो होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे मैंने इस वीडियो में आपको फिगर के साथ जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको कवर किया है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको इस टॉपिक से इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे तो आप इस वीडियो को एक से दो बार देखिए आपको सारी चीजें याद हो जाएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू